हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी बजे हैं सुबह के 8:30 और अभी हमारा प्लान है गुलमर्ग जाने का। और अभी अभी फैसल भाई ने भी फ़ोन करा है, वो तैयार हो चुके हैं। हमने कल प्लान बनाया था गुलमर्ग जाने का, और हमारे साथ है इशफाक भैया, साजिद भाई और जाहिद और फैसल भैया और मैं। तो अभी हम तैयार होते हैं और निकलते हैं मागाम के लिए। फिर हमें मागाम से जाना है इशफाक भैया की गाड़ी में, और फिर वहाँ से हम डायरेक्ट चलेंगे गुलमर्ग की ओर। हाँ जी गाइज, तो अभी हम मागाम पहुँच चुके हैं और मागाम से हम जाएंगे इशफाक भैया की गाड़ी में, और हमारे साथ साजिद भाई है, जाहिद है, इशफाक और फैसल भैया। हाँ जी गाइज, गुलमर्ग पहुँच गए हम। तो अभी हम पहले आए हैं महाराजा पैल्स यहाँ गुलमर्ग में, और मेरे दोस्त लोग गाड़ी पार्क कर रहे हैं, और ये है महाराजा पैल्स की एंट्री। जैसे कि आप देख भी सकते हो कि बोर्ड पे लिखा है महाराजा पैल्स। गुलमर्ग पहुंच के हम पहले तो यही आए महाराजा पैल्स, और उसके बाद हम पूरे गुलमर्ग में घूमेंगे। तो अभी हम करेंगे एंट्री महाराजा पैल्स की ओर, और आपको दिखाएंगे यहाँ का महाराजा पैल्स कैसा है। बाकी मेरे दोस्त लोग अंदर जा चुके हैं, और अब मैं आपको दिखाऊंगा महाराजा पैल्स। ये यहाँ का टिकट कलेक्शन, यहाँ पे टिकट कटानी पड़ती है, जूते बाहर ही रखने पड़ते हैं। ये जो महाराजा पैल्स है, ये महाराजा हरि सिंह ने बनाया था अपने ज़माने में। जब वो गुलमर्ग आते थे तो वो यहाँ अपने साथियों के साथ यहाँ इस महाराजा पैल्स में रुकते थे। उसी टाइम का बनाया हुआ ये महाराजा पैल्स है, बहुत ही आलीशान पैल्स है ये। आज भी इसकी कारीगरी सब लोग देखते हैरान रह जाते हैं। ये एक फ्लोर शायद इसका अंडरग्राउंड है, तो अभी हम नीचे की ओर जा रहे हैं देखने के लिए महाराजा पैल्स की खूबसूरती। अनबिलीवेबल है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पैल्स है यहाँ का महाराजा पैल्स, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये वाला जो फ्लोर, ये वाला जो है, यहाँ पे एसी भी लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ कश्मीर का मौसम ऐसा होता है, यहाँ पे एसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी यहाँ पे एसी लगे हुए हैं। ये पूरे पत्थरों की दीवारें बनी। ये हैं जाहिद भाई, जो कि महाराजा पैल्स देखने के लिए आए हैं। जाहिद साहब की उच्ची महाराजा पैल्स। ये फोटो सेशन, यहाँ पे फोटो सेशन का टाइम है। ये देखिए महाराजा पैलेस में सारे यहाँ पे बेड और टेबल, डाइनिंग टेबल लगाए हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं दूसरे पोर्शन में, वो था अंडरग्राउंड का पोर्शन, और ये है यहाँ का दूसरा पोर्शन। ऐसा भाई बेड पे लेटे हुए हैं। देखिए यहाँ के डाइनिंग टेबल लगे हुए हैं, टेबल चेयर बेड। यहाँ के कमरे देखिए, यहाँ के कमरे कितने खूबसूरत बनाए हुए हैं। अब है महाराजा पैलेस का जो म्यूजियम है, जहाँ पे वहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई है। अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या क्या है। यह है पुराने ज़माने के वेपन्स, जो गन होते थे उस टाइम पे। यह है महाराजाओं की तलवारें। गार्ड में पैलेस का टूर हमने कर लिया, तो अभी हम जा रहे हैं चिल्ड्रन पार्क घूमने के लिए, और साथ में ही देखेंगे किसी दूसरी जगह अगर मौका मिला तो वहां भी जाएंगे। अभी पैलेस से हम निकल गए। महाराजा पैलेस के बाद अभी हम पहुंच गए चिल्ड्रन पार्क गुलमर्ग में। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे पार्किंग में कितनी ज़्यादा भीड़ है। आधे घंटे जाम में रह के उसके बाद मौका मिला है हमें गाड़ी पार्किंग में रखने की।
तो अभी हम एंट्री करेंगे चिल्ड्रन पार्क में, और चिल्ड्रन पार्क में देखेंगे थोड़ा सा और यहाँ वहाँ घूमेंगे, उसके बाद चलेंगे फिर दूसरी जगह गंडोला के साइड और। हाँ जी गाइस, तो अभी हम आए चिल्ड्रन पार्क में, आप देख सकते हो कि यहाँ चिल्ड्रन पार्क में अभी ट्रेन चल रही है और सामने झूला है। फैजल भाई और साजिद भाई लाइन में लगे हैं झूले में चढ़ने के लिए। लाइन इतनी बड़ी है कि बारी मुझे लगता है शाम तक इनको आएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ चिल्ड्रन पार्क का नज़ारा जो कि गुलमर्ग में है। जनाब को देखिए, इतने सारे लोगों को जब बारी आएगी उनके बाद हिंदूजनों की बारी आएगी, लाइन में खड़े ये झूले पे चढ़ने के लिए। ये है यहाँ का आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल जहाँ पे बच्चे खेलते हैं और खुद ही नाव वाव चलाते हैं। इसको इसलिए चिल्ड्रन पार्क बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बच्चों के लिए मस्ती भरी चीज़ें होती है, ताकि बच्चे यहाँ पे मस्ती कर सकें, इसलिए इसको चिल्ड्रन पार्क बोलते हैं। ये फाइनली हम झूले में बैठ गए और अभी देख रिएक्शन साजिद भाई और मेरा। साजिद भाई और मैं एक पार्टनर में बैठे हैं और इश्क भाई और फैसल भाई दूसरे में। ये वाला है, इसको कहते हैं हम शल, इनकी नट शल, वो वाला है वो उर्तिगुल। मनुष्य है क्या इसके मेहमान, अभी सेल्फी तुला। तो अब हम जा रहे हैं चिल्ड्रन पार्क से बाहर। फाइनली हम गुलमर्ग के बाद यहाँ शरसफाल पहुँच गए जो बाबा ऋषि के नीचे एक जगह है शरसफाल। मेरे दोस्त है, आज दिन भर इन्होंने एक थोड़ी सी भी व्लॉगिंग करनी नहीं थी। अभी हम शरसफाल पहुँचे हैं और अभी हम आपको दिखाएंगे शरसफाल में कि कैसी जगह है। हम खुद भी पहली बार यहाँ आए हैं शरसफाल अपने दोस्तों के साथ, और अभी हम चलते हैं नीचे वाटरफॉल की ओर और आपको दिखाएंगे शरसफाल में कैसा नज़ारा है। वाटरफॉल के साइड साइड में ये रास्ता बना हुआ है जो कि नई जगह है ये, लेकिन शरसफाल जो जगह है ये यहाँ पे नई बनी है, नई नई ये खुली है यहाँ पे, और अभी ज़्यादा यहाँ पे लोग नहीं आते हैं। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ का जो वाटरफॉल है वो। वो है यहाँ का जो मेन पहाड़ के नीचे से जहाँ से झरना आ रहा है, और ये पूरा पानी वहाँ उस पहाड़ से निकल रहा है, वो वाला जो पहाड़ है उसी पहाड़ से सारा का सारा निकल रहा है। फाइनली शरसफाल हो गया हमारा और अब हम यहाँ से जा रहे हैं बाबा ऋषि और फिर बाबा ऋषि से डायरेक्ट घर। ये है बाबा ऋषि का मेन मार्केट जो, और अभी हम खाने जा रहे हैं सॉफ्टी जो कि फैजल भाई को खाने का मन कर रहा है, तो इसलिए हम सभी लोग जा रहे हैं अभी सॉफ्टी खाने के लिए। तो ये हमने अभी सॉफ्टी ऑर्डर करी है डबल फ्लेवर में, और ये भैया बना रहे हैं मैंगो शेक यहाँ पे। तो ये आ गई हमारी सॉफ्टी, साजिद भाई बहुत ही खुश है, और ये रहे हमारे फैजल भाई। गाइस हमने बाबा ऋषि घूम लिया है, अब हमारी बारी है घर जाने की। तो अब हम घर जाने वाले हैं डायरेक्ट, लेट भी हो गए। हमने ये पराठे और हलवा ले आए, और साथ में इश्फाक भैया ने अपने लिए किचन सेट भी लाया है।
आप देख सकते हो।